हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हमारी और आपकी सबकी फेवरेट होगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि हमने जो वीडियो देखी हो इंटरेस्टिंग ना हो? नहीं, ऐसा आई गेस कभी हो ही जाता होगा। कभी होता होगा कि हम लोग को बहुत अच्छा ना लगा, मोस्टली हम लोगों को चीजें चीजों के ना आईडिया लगा। बाय द वे, मैं यहां पर पता है क्या कहने लगी थी, आपकी और हमारी फेवरेट नहीं, मतलब मैं ये कहने लगी थी आपकी और हमारी हिस्ट्री। अच्छा, ठीक है, बात करने लगी थी, मतलब कि क्योंकि उस टाइम पर सब लोग इकट्ठे थे तो हिस्ट्री बिल्कुल। और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है कि 10 ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के 10 महान महाराजा या राजा। तो मुझे तो इसलिए बहुत अच्छी लगने वाली क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो का और इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको हमारे ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और दूसरे चैनल का जो लिंक है वो भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, वी विल डिस्कस हमें कैसे लगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। वेलकम दोस्तों, भारत के राजाओं की वीरता और महानता के किस्से तो हम बचपन में ही सुनते आ रहे हैं। ना जाने कितने जाबाज और निडर राजाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। ये मुगलियाज़ मूवी है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के 10 ऐसे ही शक्तिशाली राजाओं के बारे में। इस वीडियो की रिक्वेस्ट सयानी पतियानी ने की थी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10 समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के सबसे महान राजा और भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से एक थे जिन्हें चक्रवर्ती राजा का सम्मान हासिल है, मतलब कि पूरे आर्यव्रत पर राज करने वाला। समुद्रगुप्त की शक्तिशाली सेना के सामने कोई नहीं टिक सका। उस जमाने के शिलालेखों और सिक्कों की माने तो समुद्रगुप्त मतलब कभी भी नहीं हारे थे। समुद्रगुप्त का शासन 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक चला और वो बिना किसी शक के भारत के सबसे महान शासकों में से एक। 9 अकबर। मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमेरकोट सिंध में हुआ था। ये वो समय था जब उनके पिता हुमायूं से मुगल सल्तनत का सिंहासन छीन लिया गया था और वो राज्य के बाहर शरण लेने के लिए मजबूर थे। समय का पासा पलटा, पहले हुमायूं और फिर अकबर मुगल साम्राज्य के राजा बने। सिर्फ 14 साल की उम्र में अकबर को बादशाह बना दिया गया था। अकबर ने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। मुगल साम्राज्य को इतना महान बनाने में अकबर का बहुत बड़ा योगदान था और इसलिए इतिहास में उन्हें अकबर महान कहा गया है। लेकिन अकबर ने ऐसे भी कई काम किए हैं जिसके कारण लोग उनकी महानता पर सवाल उठाते हैं। 8 धन्य माणिक्य। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग धन्य माणिक्य को नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दूं कि धन्य माणिक्य त्रिपुरा के राजा थे। उन्होंने 1463 से 1515 तक त्रिपुरा पर शासन किया था और इस दौरान अपने राज्य की सीमाओं को पूर्वी बंगाल तक पहुंचा दिया था। वर्तमान समय में बांग्लादेश का हिस्सा बन चुके कोमिला, सिलहेट और चिट्टगांव भी उस समय धन्य माणिक्य के राज्य में हिस्सा थे। वो सिर्फ अपने शासन के लिए ही नहीं बल्कि अपने बनवाए मंदिरों के लिए भी जाने जाते हैं। उदयपुर का प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी धन्य माणिक्य ने ही बनवाया था। 7 सुकाफा। अहोम साम्राज्य के पहले राजा सुकाफा भगवान कुनलुंग का वंशज कहा गया है। सुकाफा मूलतः चीन के मोंगमाओ राजघरानों से ताल्लुक रखते थे। 1228 में अहोम साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उन्होंने पूरे 40 सालों तक राज किया। कहा जाता है कि सुकाफा पहले मोंगमाओ के ही राजा बनने वाले थे, लेकिन बाद में मोंगमाओ का उत्तराधिकारी किसी और को घोषित कर दिया गया। सुकाफा की दादी कहा करती थी, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते और एक सिंहासन पर दो राजा नहीं रह सकते। सुकाफा मोंगमाओ को छोड़कर असम की ओर चलती और यहाँ आकर अहोम साम्राज्य की स्थापना की जो 600 से भी ज्यादा वर्षों तक रहा। आपको जानकर खुशी होगी कि असम में सन 1996 से हर साल 2 सितंबर को सुकाफा के सम्मान में असम दिवस मनाया जाता है। 6 वीरा पांड्या कट्टबोमन। वीरा पांड्या कट्टबोमन एक जाबाज दक्षिण भारतीय सरदार थे जिनका जन्म पंचालन कुरिची तमिलनाडु में हुआ था। आरकोट नवाब की आंखें लेने के बाद
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी सरदारों से वो मांगा टैक्स वसूलती थी, लेकिन कटबोमन ने अंग्रेजों को टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम ये हुआ कि कटबोमन और अंग्रेजों में घमासान युद्ध हुआ। कटबोमन की सेना ने अंग्रेजों का टट कर सामना किया, लेकिन उनके अपने ही कुछ साथियों ने उनके साथ धोखा दिया। विजय रघुनाथ तोंडईमन ने उन्हें पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। आखिरकार 16 अक्टूबर 1799 को सिर्फ 39 साल की आयु में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। 5. पजस्सी राजा। केरल के कोट्टयम राज्य के राजा और महान योद्धा पजस्सी राजा का जन्म 2 जनवरी 1753 को हुआ था। वो भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। कोट्टयम के युद्ध में अंग्रेजी सेना के खिलाफ उनका संघर्ष आखिर कौन भूल सकता है। अपनी इसी बहादुरी के कारण पजस्सी राजा को केरल सिंघम यानी कि केरल का शेर भी कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं, पजस्सी राजा के नाम पर सिनेमा भी बनाया गया है। 4. महाराणा प्रताप। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप की वीरता के लिए हमेशा याद किया जाता है। कौन भूल सकता है हल्दी घाटी के उस युद्ध को जिसमें उन्होंने विशाल मुगल सेना से डटकर मुकाबला किया। हालांकि वो मुगल सेना को हरा नहीं सके, लेकिन जीतने के बाद भी मुगल उनको पकड़ नहीं सके। महाराणा प्रताप ने 1597 तक शासन किया था। 3. रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में लिखी गई ये पंक्तियां उनके शौर्य को भली भांति दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक थी। बचपन में मणिकर्णिका के नाम से जानी जाने वाली लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। बिन राजा का राज्य पाते ही अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करने की ठान ली, लेकिन लक्ष्मीबाई ने भी जैसे कसम खाई थी कि उनके जीते जी झांसी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उन्होंने अदम्य साहस के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया और 18 जून 1858 को ऐसे ही एक युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। 2. पुलकेशिन द्वितीय। डेक्कन के क्षेत्र में फैले चालुक्य साम्राज्य के सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। उन्होंने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया था। अपने शासन में पुलकेशिन ने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और जब हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत पर हमला किया तो पुलकेशिन ने उन्हें भी दूर चटा दी। वे वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन जैन बौद्ध और शैव धर्म के लिए भी उनकी आस्था थी, और उनके राज्य में सभी धर्म के लोग आजादी से रहते थे। 1. शिवाजी। एक ऐसा राजा जिसने अपने साहस और शौर्य के बल पर मुगल सल्तनत की बुनियाद हिला दी। वीर मराठा योद्धा और शासक छत्रपति महाराज शिवाजी को आप भली भांति जानते होंगे। शिवाजी का शासन काल सिर्फ 6 का था, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने कई किलों का निर्माण करवाया और मराठा शक्ति के जौहर समुद्र में भी दिखाने के लिए जल सेना भी बनाई। उन्होंने एक ऐसे प्रशासन की नींव रखी जिसने आगे चलकर मराठा साम्राज्य को विकसित होने में अहम योगदान निभाया। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 जाबाज राजा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे दोस्तों, भारत और यहाँ के राजाओं की महानता को एक वीडियो में दिखा पाना असंभव है, इसलिए अगर आप भी इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये भी बताएं कि इस वीडियो में कौन कौन से राजा हो सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो इससे पहले हमें जैन की हिस्ट्री के हम जितने भी टॉपिक देखते हैं हमें इतने क्लियर नहीं होते, इवन कि इसमें भी हमें 3-4 ही राजाओं का पता था, बाकी सारे जो हैं वो हमारे लिए नए थे। और अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ तो हमेशा से गद्दार रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, बस अपने गद्दारों की वजह से मुझे लगता है कि हमेशा शिकस्त हुई है। और दूसरा, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि वीडियो देखना, मुझे ऐसा लगा कि अंग्रेज हर टाइम ना इसी चक्कर में होते थे कि कोई मर जाए या फिर कुछ हो जाए और हम जल्दी से वो अंग्रेज जगह ना वो। हाँ, अंग्रेज जो है वो इसी इंतजार में रहते होंगे कि फलाना मरे तो हम उसकी रियासत पे भी कब्जा करें। हाँ, या अगर कोई कमजोर ऐसा राजा है जो इतनी पावर नहीं रखता है, इतनी इतना ज्यादा नहीं है, हम उसे भी हथियार लें। हाँ, मुझे भी वैसे यही लगा इसको देखकर। वैसे भी अंग्रेजों का शुरू से तो यही रूल है, डिवाइड एंड रूल का। और वाकई में, लेकिन वैसे भी देखा ना तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ना इसी पॉलिसी में वो लोग बिलीव करते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब है। लेकिन फिर भी मुझे, मैं ये कहूँगी कि अब क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो चुका हुआ है और मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी हुई हैं और मैंने कमेंट्स भी पढ़े हुए हैं जिसमें बहुत सारे फॉरनर्स हैं जो बोलते हैं, स्पेशली ब्रिटिशर, अब मैं यहाँ पर अंग्रेज अमेरिकन वाला नहीं बोल
बोलूंगी। ब्रिटिशर्स बहुत सारे जो मतलब के अपनी हिस्ट्री के बारे में जब वो पढ़ते हैं तो जो जो जुल्म उन्होंने किए हुए हैं वो उसके बारे में काफ़ी रिग्रेट फील करते हैं और वो लोग इस चीज़ को मानते भी हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई हुई थी कि मतलब इतने सारे लोगों का कत्ल करना, इतने सारे लोगों की रियासतों को मतलब कब्जा कर लेना उन पर। तो अभी भी अगर देखा जाए, अगर अंग्रेज़ों की बात की जाए तो काफ़ी ऐसी रियासतें हैं मुल्क में, सॉरी मुल्क कह रहा हूँ, दुनिया में काफ़ी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर अभी भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। चलो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि उस टाइम के लिहाज से अगर हम बात करें तो बेसिकली वाकई में मुझे भी इतने ज्यादा महाराजाओं का या राजाओं का हमें नहीं, नहीं पता था। दो चार ही थे बीच में से, जिसमें से एक शिवाजी थे, शिवाजी महाराणा प्रताप सिंह थे, झांसी की रानी थी और अकबर था। अकबर इनके बारे में, इनके बारे में हमें पता था, बाकी हमें किसी के पास। लेकिन हमें सोचने वाली बात यह है कि मुझे कि और कितने ज्यादा होंगे। बिल्कुल काफी ज्यादा होंगे, जैसे उन्होंने भी वीडियो में कहा कि अगर आपने और भी देखने हैं तो कमेंट करें वीडियो में, तो हम दूसरी सी वीडियो बनाएंगे। और दूसरी, एक राजा हो या महाराजा हो या बादशाह कोई भी हो, उसके लिए सबसे जो है सोचने वाली चीज होती है वो अपनी पब्लिक को, अपनी अवाम को किस तरह सहूलते दे, किस तरह खुश रखे। और इनमें से जो है ये जो शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप सिंह हैं और जो है अकबर, उनके बारे में मैंने सुना हुआ है कि उन्होंने जो है अपनी अवाम को काफी खुश रखा हुआ था। और झांसी की रानी जो थी मणिकर्णिका, उनकी तो हमने डिटेल देखी थी, यानी कि मूवी पूरी हमने देखी थी। वैसे मेरी बात होती है कि वो एक एग्जांपल है, एग्जांपल है, बाकी वो काफी इनके मूवी में देखी थी, काफी बहादुर खातून, बिल्कुल अंग्रेजों की भी डेथ हो जाती है। और देखो अभी जो 10 महाराजा उनमें से वो एक अकेली फीमेल, बिल्कुल मैंने देखी थी ना मणिकर्णिका मूवी, उसमें दिखाया हुआ है कि वो कई बार अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ी हैं और इन द एंड फिर भी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई, उन्होंने जो है अपने आप को बर्न यानी कि आग लगा ली मतलब थी। हाँ वो यानी जंग के दौरान ही उसमें दिखाया था कि उन्होंने आग लगा ली थी, यानी कि बहुत जिगरा चाहिए अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए, और ये एक जज्बा होता है। और अगर मैं शिवाजी की बात करूँ जो महाराजा, हाँ महाराज, तो मतलब मुझे उनका भी बहुत लगे, सिर्फ 6 साल है ना, 6 साल की ड्यूरेशन, 6 साल की ड्यूरेशन में उन्होंने इतनी ज्यादा सक्सेस उनको मिली, बिल्कुल, और इतना ज्यादा उन्होंने यू नो अपनी सहूलतें पैदा की अपने लोगों के लिए, बिल्कुल। तो बेसिकली एक राजा महाराजा या आजकल के जो राजा महाराजा हैं, हम उनसे भी यही तवक्को करते हैं कि उनका काम भी यही है कि वो अपनी जो आम प्रजा लोग है, हैं, जो उनकी प्रजा है, उनको सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा दें, बिल्कुल। और यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात भी करना चाहूंगी कि समटाइम जो मौजम के साथ डिस्कस करती हूँ जो बड़ा अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ मौजम, मेरा दिल करता है कि जो जैसे राना करें महाराजा और राजाओं वाला एक टाइम है ना, इसमें वापस जाए, सबकी अपनी अपनी स्टेट्स हो, सब आराम से रहें, बिल्कुल, मुझे अक्सर बात इनसे होती है, और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना, आपके जो जो इलाके हैं आप अपने लोगों को खुश रखें और आते जाते रहें। लेकिन अब हम तो यहाँ पे बैठे हुए ना इस जमाने में 2019 में, लेकिन हमें नहीं पता कि उस जमाने में लोगों के क्या हालात होंगे। लेकिन हाँ, लेकिन अभी जो है हमने जो बुक्स में पढ़ा हुआ है उसमें यही बताया गया कि जो उस टाइम के राजा महाराजा थे वो अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखते थे। हाँ लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि देखो हर एक डिफरेंट वो कल्चर होते हैं सबके, और डिफरेंट चीजें आपको मिलती है देखने के लिए, आप एक दूसरे की छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जितनी भी रियासतें होती सब में जाते खुश रहते। लेकिन एनीवे अब तो जमाना बहुत चेंज हो चुका है, बट फिर भी हम दुआ करते हैं कि दुनिया में सुकून रहे और अमन रहे और सब लोग खुश रहें। और इसी के साथ हमें इजाजत, बट जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको इनमें से कितने राजाओं का पता था, और इसके अलावा मुझे तो लगता है कि उन्हें सारों का पता होगा। हाँ वैसे मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको अच्छी काफी अच्छी नॉलेज हिस्ट्री के बारे में, बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी हमें जरूर बताइएगा कि टोटल लाइक कितने राजा महाराजा थे, कुछ आइडिया होंगे, मेरा तो ख्याल है कोई 1000 के पास होंगे। हाँ तो चलिए अगर आपको पता हो तो प्लीज जरूर मेंशन करिएगा, और इसके साथ हमारे चैनल हमारे वीडियोस करें, लाइक हमारे चैनल करें, हमारे वीडियोस करें, शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।